बीटेक ऑनलाइन में आज की तीसरी वीडियो जो कि हमारे पास ब्लॉगिंग के हवाले से चल रही थी। दूसरी वीडियो के अंदर हमने कोर्स उसको टेम्पलेट को चेंज करने का तरीका सीखा था, और आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि इसके अंदर हमारा पास क्या, इसके लेआउट किस तरह चेंज करते हैं, इसका जो आपको नज़र आ रहा है। क्योंकि हमने ब्लॉग बनाया हुआ है कोरोना वायरस सैम्पल्स के नाम का, तो साफ ज़ाहिर है इस टॉपिक के इसे मिलते जुलते जो हमारे पास हैं वो मेन्यूज़ होने चाहिए यहाँ पर। तो इन मेन्यूज़ को चेंज करने का तरीका बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। वीडियो आखिर तक देखने के बाद आप जो अपने ब्लॉग के जो मेन्यूज़ हैं उसको चेंज करने का तरीका सीख लेंगे। तो यहाँ पर आपने लेआउट में जाना है, इसके लिए ब्लॉगर खोलने के बाद लेआउट पे जाना है। लेआउट पे जाने के बाद फिर आपके पास एक सेटिंग ओपन हो जाएगी। उस सेटिंग में आपने क्या करना है, जैसे ही वो सेटिंग हमारी यहाँ पर लोड हो जाएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम मतलब उसके अंदर आ रही है नेट के ऊपर, लेकिन ये लोड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको मैं ये समझाता हूँ। सबसे पहले नंबर पर फेविकॉन, फेविकॉन का मतलब होता है, जैसा कि हमारे पास ये जो आइकन बना हुआ नज़र आ रहा है ये फेविकॉन है, इसका यूट्यूब का ये है। तो हम अपने ब्लॉग का भी लगा सकते हैं, अभी इस ब्लॉग का बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉग ही आ रहा है। तो फेविकॉन को चेंज करना है, सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपका जो फेविकॉन है यहाँ से अपलोड होगा। और आपने ऐसी तस्वीर जो कि स्क्वायर फोर में हो, फेविकॉन हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास तस्वीर कोई नहीं है, तो मैं आपको इसका तस्वीर बनाकर दिखाता हूँ, मतलब फेविकॉन फेव आइकन यहाँ पर क्लिक करते हैं, फेव आइकन को जब क्लिक करेंगे तो ये आपके पास बहुत सारे फेव आइकन हमारे पास आ जाएंगे। इसको इमेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जैसे इमेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे फेव आइकन आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये तो सिंगल क्रिएट आ चुके हैं, हमने अलग अलग करने हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अपना बनाना है ना फेव आइकन, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हेल्थ के ऊपर हमने फेविकॉन सिलेक्ट करना था। ये देख सकते हैं आपके सामने हेल्थ के ऊपर जितने भी फेविकॉन होंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखें, यहाँ पर हम देखें बहुत सारा आ चुका है, इसमें से कोई राइट का हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कलरफुल करना है तो कलरफुल कर देंगे, इसको सेव करेंगे। इसका जो साइज होता है 512x512 ऑटोमेटिक होता है। अब इसको सेव करने के बाद फिर आपने यहाँ लिख दिया कोरोना, कोई नाम दे देंगे। अब आपने ये देखा कि इसके अंदर चेन किस तरह से, इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर आपके पास चूज फाइल है, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर आपके पास कोरोना के नाम से एक फाइल आइकन जो हमने अभी डाउनलोड किया है उसको यहाँ से अपलोड करेंगे, उसको सेव कर देंगे। अब ये जो आपके पास आइकन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे हमने इसको सेव किया और इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास जो फेव आइकन है वो हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमने सेव कर दिया, ये देखिए अपलोड हो चुकी है हमारे पास ये नाम का, इसको जैसे सेव कर देंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ से भी सेव कर देंगे, जैसे ही यहाँ से सेव हो जाएगा फिर हमने इसको रिफ्रेश करना है अपने ब्लॉग को। जैसे रिफ्रेश करेंगे हमारे पास जो इसका आइकन है वो कुछ देर बाद ये चेंज हो जाएगा, अभी थोड़ा टाइम लेता है चेंज हो जाएगा। अब ये हमारा आइकन जो इस तरह का चेंज हो जाएगा। अब हमने चेंज करना था इसके मेन्यूज़, जैसे ही हमने इसको नीचे करेंगे तो आपके पास ये एड्स वगैरह के आते हैं, टॉप मेन्यूज़ ये आ जाए। टॉप मेन्यूज़ का मतलब ये कि आइकन चेंज हो गया हमारा,
टॉप मेन्यू का मतलब होता है ये जो आपको ऊपर ऊपर नज़र आ रहे हैं ये टॉप मेन्यू, टॉप मेन्यू हमारे बिल्कुल ठीक है। अब हमने करना है नीचे वाले मेन्यू चेंज। नीचे वाले मेन्यू चेंज करने के लिए हमारे पास थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, ये मेन मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मेन मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर देखेंगे तो आपका मेन मेन्यू शो हो जाएगा। ये अक्सर ब्लॉक फॉर्मेट के अंदर ये नहीं होता ऑप्शन, फिर आपको कोडिंग के अंदर जा करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखा जाए पहले नंबर पे कोई और लिखा हुआ है, ब्यूटी एंड फैशन लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अबाउट कोरोना वायरस। अभी फिलहाल मैं इधर सेव कर लेता हूँ क्योंकि अभी फिलहाल अबाउट कोरोना वायरस। अब इसको मैं सेव करके आपको दिखा देता हूँ कि देखें कितना चेंज हो गया पहला नाम। इसी तरह आपने सारे चेंज करने हैं जो भी आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे सेव करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर सेव हो जाएगी, यहाँ पर भी आप सेव कर लेंगे। फिर आप देखें यहाँ पर ब्यूटी एंड फैशन जगह पर आ जाएगा अबाउट कोरोना वायरस। देखें आपके सामने अभी मेन्यू शो होंगे जिसके ऊपर लिखा होगा अबाउट कोरोना वायरस, लिखा हुआ है अबाउट कोरोना वायरस। इस तरह से उसके अंदर नीचे भी जो भी मेन्यूज़ आप बनाना चाहते हैं वो बना लेंगे। इस तरह से हर चीज़ एक चीज़ के जो मेन्यूज़ हैं वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाकी रहा जो ब्लॉग का थीम है वो मैं आपको मुझे कमेंट्स के अंदर आपने फीडबैक देना है, तो जो फीडबैक देगा उसको मैं पर्सनली जिस तरह से हुआ मुझे साथ व्हाट्सएप के ज़रिए जिस तरह मैं आपको सेंड कर दूँगा। अगर आप ये थीम चाहते हैं एडसन रेडी का तो मुझे आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, मैं आपको वो थीम जो है वो सेंड कर दूंगा। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ 0300-7385471 0300-0300-7385471 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको वो थीम जो है वो सेंड कर दूंगा ये वाला। आप उस पर काम करके प्रोफेशनल तरीके से काम कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो तीसरे जो कोर्स के हवाले से है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपने तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।